हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का 26 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं जीके के, साइंस के, करंट अफेयर के, मैथ के, रीजनिंग के, तो वो सब कुछ डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर आप चाहते हैं आपको हर एक शिफ्ट के एनालिसिस की वीडियो मिलती रहे तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पर पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर भी मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वो वीडियोज़ देखनी है, अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा और हो सके तो लाइक जरूर करिएगा। यहां पे पहला क्वेश्चन था, तेलंगाना के सीएम पूछे गए थे तो के चंद्रशेखर राव राइट आंसर इसका हो जाएगा। जीएसटी के चेयरमैन भी पूछा गया था आपका, अमित मिश्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमित मिश्रा इज द राइट आंसर। विटामिन ए किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो आपका ये पाया जाता है कैरेट में, यानी कि गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। 18वां ग्रुप में कौन से एलिमेंट, सॉरी कितने एलिमेंट होते हैं, ये आपका 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 18वें ग्रुप में 7 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, भारत की सबसे कम उम्र की महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, यह आपका मलावत पूर्णा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका था। ठीक है, एक था आपका, इनमें से कौन सा एलिमेंट ग्रुप 17 में नहीं है या फिर है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था, तो वो ऑप्शन देखकर ही पता चल सकता था। आयरन का एटॉमिक नंबर, आयरन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे पूछा गया था, ये आपका 26 होता है राइट आंसर। ठीक है, एल्कलाइन का फॉर्मूला पूछा गया था तो CnH2n इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक था आपका यहाँ पे, 2000 के नोट पर मंगलयान क्या दर्शाता है, तो 2000 के नोट पर मंगलयान मंगल ग्रह पर जाना दर्शाता है। और बाकी ऑप्शन क्या क्या थे वो आप मुझे बताइएगा, तो थोड़ा ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी वर्क मतलब बताया जा सकता है आंसर क्या होगा। ठीक है, डाइजेस्टिव प्रोटीन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, पूरा क्वेश्चन नहीं पता है, तो जो भी था आप बताइएगा मुझे अगर कोई एग्जाम दे के आया है। ठीक है, विक्टोरिया हॉल कहाँ पर है, ये आपका कोलकाता में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ लेंस पूछा गया था तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कल भी पूछा गया था कि DMK एंड AIDMK पार्टी किस राज्य में है, आपका तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है, तो ये 53 PM होती है, और आपका अगर नैनोमीटर में देखा जाए तो 0.037 नैनोमीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, 64th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर किसको मिला है, अक्षय कुमार को और रुस्तम मूवी के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट आपका, जीव जगत का सबसे बड़ा जंतु, ये आपका देखिए अलग अलग होता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे बताया जा सकता है राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है, भारत के खेल मंत्री कौन है, तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, राज्यवर्धन सिंह राठौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपका एक केमिकल फॉर्मूला भी पूछा गया था, पीएच वैल्यू भी पूछी गई थी, तो जो क्वेश्चंस नहीं पता है बट उनका ये पता है कि किस किस टॉपिक से और भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, अर्जेंटीना की कैपिटल भी यहाँ पे पूछी गई है। ठीक है, तो ब्यूनस आयरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, फर्स्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा, सभी को पता है इसका तो। ठीक है, एक क्वेश्चन था, बेस्ट न्यूज चैनल अवार्ड, एक तो ये आपने ये नहीं बताया कि किस ईयर में, तो यहाँ पे हिंदी को जो मिला, यानी कि हिंदी न्यूज चैनल में तो आज तक को, और इंग्लिश में NDTV को। अगर मैं यहाँ पे गलत होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि ये मैंने मतलब जो मैंने पढ़ रखा है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको आंसर बताया है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैथ की बात की जाए तो मैथ के कुछ टॉपिक जो पता चले हैं, सबसे पहले टॉपिक ही बता देता हूँ फिर क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। मैथ में आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया है, परसेंटेज से भी एक क्वेश्चन या शायद दो क्वेश्चन देखने को मिले हैं, एज से भी एक से दो क्वेश्चन आए हैं, पाइप एंड सिस्टम हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बोर्ड मास हो गया। ठीक है, मेंसुरेशन, स्क्वायर रूट, HCF, LCM और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये वो सारे चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चंस आए हैं। एक दो चैप्टर और हो सकता है जिनका मुझे शायद ना पता चला हो, तो अगर आपको पता है कि किसी चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं और आप एग्जाम देखे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन था आपका टाइम एंड वर्क से, इसी टाइप का क्वेश्चन कल भी आया था यहाँ पे, यानी कि पॉइंट में दी जा रही है वैल्यूज, तो उनको कैसे करना है। यहाँ पे दिया गया था, ए किसी काम को 7.2
डेज में कर लेता है और बी उसी काम को 10.8 डेज में कर लेता है। तो दोनों मिलकर उस काम का 5/5, यहाँ पे देखिए पॉइंट फाइव में, दोनों मिलकर इस काम का 5/6 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन था आपका। तो इसको कैसे करना है, मैंने आपको बताया था अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 लगा लूंगा तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 72/10, ठीक है। अगर यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 लगा लूंगा तो 108/10, ये कुछ इस तरीके की वैल्यूज हो जाएंगे। तो फ्रैक्शन की वैल्यू से बिल्कुल भी नहीं डरना है, बहुत ही आसान होता है, जैसे आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करते हैं वैसे ही करना है। अभी थोड़ी देर के लिए 10 10 को भूल जाते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 72 और 108, 72 और 108 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 216, ठीक है। अब 216 को मैं 72 से डिवाइड करूंगा, कितनी बार जाएगा 3 टाइम, 3 की 10 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए जो है वो एक दिन में 30 यूनिट वर्क करता है, ठीक है भाई। 72 को 216 को 72 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 3 टाइम, 3 की 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए एक दिन में 30 यूनिट वर्क करता है। 216 को 108 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 टाइम, 2 की 10 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा बी एक दिन में 20 यूनिट वर्क करता है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि दोनों मिलकर 5/2 यानी कि जो टोटल वर्क है उसका 5/2 कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, तो 216 का आपका 5/6 निकालेंगे तो कितना आएगा 180, और अब 180 को किससे कराना है इन दोनों से, तो दोनों कितना करते हैं एक दिन में 50 यूनिट वर्क करते हैं, तो 180 को कितने दिन में कर लेंगे, यहाँ पे सीधा सीधा इसको डिवाइड करेंगे तो 3.6 डेज आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका शायद ये देखिए, एक बच्चे ने भेजा है कि एक टंकी जो है वो किसी टैंक को 4 घंटे में भर देती है, और एक उसमें यानी कि खाली करने वाला पाइप भी उसमें जोड़ दिया जाता है, और जो कि उसके जुड़ने के बाद में यानी कि एक पानी निकालने वाला पाइप जुड़ने के बाद में अब टैंक क्या कितने घंटे में भरता है, 4 घंटे में, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी 5 घंटे में, सॉरी यह 5 घंटे में भरता है, तो अब ये बताना है कि ये पूरा टैंक खाली कितनी देर में हो जाएगा। भाई एक पाइप पहले भरने वाला था वो 4 घंटे में टैंक को भर देता था, जब बी पाइप आया जो कि खाली करने वाला है, यानी कि 2 पाइप अब जुड़ गए, ए भरने वाला और बी खाली करने वाला, तो अब इसे भरने में 5 घंटे लगते हैं। यहाँ पे अब बताना है आपको कि ये खाली कितनी देर में हो जाएगा, तो दोनों का एलसीएम लेंगे 20 आ जाएगा, 20 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो ए 1 घंटे में 5 यूनिट पानी भर देता था, फिर 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो अब ए जो है वो 4 यूनिट पानी भर पाता है, किसके कारण, ये बी आने के कारण, क्योंकि बी खाली करने वाला पाइप है, तो ए की कमी आई है वो किसके कारण आई, बी की, यानी कि बी जो है वो 1 घंटे में 1 यूनिट पानी निकालता होगा, तो 20 यूनिट पानी को कितने टाइम में निकाल देगा, 20 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो 20 आर में इसको खाली कर देगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था आपका कि ए बी सी की वर्तमान आयु का योग आपका 60 वर्ष है, ठीक है। यहाँ पे 6 वर्ष पूर्व का रेशो दे रखा था 1:2:3 ए बी सी का, और बी की वर्तमान आयु यहाँ से आपसे पूछी गई थी, तो आपको क्या करना है, देखिए ए बी सी की जो सम है, आयु का सम है वो कितना है 60 वर्ष है, तो ए बी सी का तीनों का आयु का जो सम है 60 है वर्तमान में। अगर मैं इसमें से सभी का 6-6 माइनस कर दूं, क्योंकि ये 6 साल पुराना रेशो दे रखा है 1:2:3, तो सभी का अगर मैं 6-6 साल माइनस कर दूं तो जो सम बचेगा 6-6 वर्ष माइनस करने के बाद में वो इस रेशो का इक्वल बचेगा, यानी कि मैं इस रेशो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो मुझे वही करना है, इसमें से मैं 18 माइनस कर देता हूँ, बचेगा कितना 42। अब ये 42 इस रेशो के इक्वल आ गया है, यानी कि 6 वर्ष पूर्व का रेशो है और ये 6 वर्ष पूर्व का पहले का इनकी एज का सम आ गया है। यहाँ पे बी का एज निकालेंगे क्योंकि हमें बी की ही पूछी गई है, तो बी का कितना रेशो है आपका 2 है, ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इन सभी को प्लस करेंगे, कितना हो गया 3, 2, 5 और 6, तो 42 को 6 से भाग कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि B का जो रेशो है वो 2/6 है, तो 6 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 42, 7 बार, और 7 की 2 में करेंगे तो कितना आ गया 14। ये 14 कब की एज आ गई है, 6 वर्ष पूर्व की आई है, पहले की आई है, तो इसमें 6 हम प्लस भी कर देंगे क्योंकि हमें कब की चाहिए, प्रेजेंट एज चाहिए, तो ये आपका जो हमने पहले माइनस किया था ना 6, उसको प्लस कर देंगे तो 20 ईयर आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि ये क्वेश्चन इतने इजी कैसे आ सकते हैं, अभी आपको देखने में इजी लग रहे हैं, अगर यही लैंग्वेज में दे दिया जाए, एक बड़ा सा क्वेश्चन इसका बना के दे दिया जाए और उसमें थोड़ा बहुत उल्टा सीधा सा करके वर्डिंग कर दी जाए, तो यही क्वेश्चन आपको हार्ड लगने लगेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जैक्ट फॉर्म में तो नहीं मिल सकते, आप कुछ भी कर लेना, कहीं से भी पढ़ लेना, मतलब किसी भी कंडीशन में एग्जैक्ट फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन ला के दिखा दे तो मैं उसे मान जाऊंगा, क्योंकि यार ऑनलाइन पेपर हो रहा है, कोई बच्चा आके डिजिट भी उल्टी सीधी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, तो ये कुछ इस फॉर्म में क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आप थोड़ा सा देख लिया करें बस, ठीक है। यहाँ पे एक रेशो दे रखा था ए बी बी सी और सी डी का, और पूछा था ए बी सी डी का तीनों का रेशो बताइए, तो ए बी का आपका रेशो था 1:3, बी सी का दे रखा था 5:7 और सी डी का दे रखा था 9:7। ए बी सी का रेशो निकालना है, सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक है,
इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे, ए का आ जाएगा, लास्ट वालों की करेंगे डी का आ जाएगा, बचा बी और सी। बी सी की मैं आपको इन दोनों की करेंगे, सबसे पहली लाइन की दो की एलिमेंट की और सॉरी नंबर की और एक लास्ट वाले के फर्स्ट की, तो ये आपका बी का आ जाएगा। और फिर यहाँ से लास्ट वाले में दो की और इधर वाले एक की करेंगे तो ये आपका सी का आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको बस थोड़ा सा दिमाग में एक ये फिगर रखनी है आपको, किस तरीके से इन दोनों की, ये दो डंडे तो आपको समझ में आएंगे, इन दोनों की कर देंगे तो ए और डी का आ जाएगा। और इस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा आपको दिख ही रहा होगा, इस तरीके से करेंगे इन दोनों की तो ये आ जाएगा आपका, इन तीनों की करेंगे तो बी का और इन तीनों की करेंगे तो सी का। तो निकाल लेते हैं इनकी, इस साइड में सारी मल्टीप्लाई करी तो 45 आ गया, ये किसकी आ गई, ए का। फिर इन दोनों की और प्लस 3 यानी कि 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आ जाएगा। 9 की 7 हम करेंगे और फिर आएगा जो उसकी 3 में करेंगे तो 189 आ जाएगा। और इन सभी की कर देंगे 377 की तो 147 आ जाएगा। ये किसी कॉमन नंबर से कट हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, 3 से हो सकते हैं तो 3 से कट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1545, इसको कट करेंगे 63 और इसको कट करेंगे 49। अभी ये किसी कॉमन नंबर से कट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो यही आपका रेशो बन जाएगा। ठीक है, तो एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिला था। और अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। देखिए थर्ड शिफ्ट में मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस लेके आता हूँ, जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट होता है इसमें बड़ी मुश्किल से क्वेश्चंस मिल पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अपने घर पहुँचने के बाद क्वेश्चंस भेजते हैं, तो वो आप थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस जो होता है उसको जरूर देख लिया करें। ठीक है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। रीजनिंग की अगर बात की जाए, स्टेटमेंट कंक्लूजन से क्वेश्चन थे इस लोग से, मतलब ये तीन चार चैप्टर था आपका, कैलेंडर क्लॉक और वेन डायग्राम सीरीज, इनसे बिल्कुल अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अभी आपका कोडिंग डिकोडिंग से भी कई क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, जो अभी तक कम ही देखने को मिलते थे, अभी कुछ ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, और आपका काउंटिंग फिगर से भी एक से दो क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सीरीज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 24 एनालॉगी का एक क्वेश्चन है, 24, 60 और 120 को फिर नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या किया है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 24 का 5/2 भाग निकालेंगे तो आपका 6 आएगा, और 120 का 5/2 भाग निकालेंगे तो 300 आएगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 300। ठीक है, तो इस तरीके के कई क्वेश्चंस आते हैं, तो इनमें आप मतलब ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप इसका इजीली आंसर बता सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी लॉजिक यहाँ तक पहुँच पाते हैं। ठीक है, कई बार क्या होते हैं, बहुत सारे आप ट्राई कर लेते हैं बट ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो ये एक आपके लिए मतलब एग्जाम्पल है कि इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो यहाँ तक भी पहुँचना है। एक था आपका कि इसमें एक जो नंबर रॉन्ग है वो आपको बताना था। ठीक है, ठीक है, यानी कि एक सीरीज है, सीरीज में एक चीज़ गलत है जो सब में चल रही है बट उसमें नहीं चल रही है, वो क्या है। देखिए यहाँ पे अगर सभी में हम प्लस 3 करते जाएं तो 16 हो जाएगा, 16 में प्लस 3 19, मतलब प्लस 3 चल रहा था बट तो यहाँ पे प्लस 2 हुआ है, प्लस 2 होने के से आपका ये 24 हो गया, आना क्या चाहिए था 25, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा 24 और नेक्स्ट आपका प्लस करेंगे तो 3 तो आपका 28 हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या आना है, यहाँ पे आपका आना था क्या 25 और आ गया क्या 24, तो आपका ऑप्शन जो दे रखे थे उसमें 24 ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका गलत था। एक यहाँ पे क्वेश्चन है, सभी ड्रम बांसुरियाँ हैं और कुछ बांसुरियाँ लंबी हैं, तो कैसे करना है इसको। देखिए सभी ड्रम, सभी के सभी ड्रम जो है बांसुरियाँ हैं और कुछ ड्रम आपके वो लंबे हैं, लंबी है। ठीक है, ये तो दे रखा ना, कुछ बांसुरियाँ लंबी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा वेन डायग्राम। अब यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ ड्रम लंबे हैं, तो कुछ ड्रम लंबे हैं बिल्कुल सही है, कुछ ड्रम लंबे नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि ड्रम का और लंबे का कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इनमें आपका कोई रिलेशन नहीं बताया गया है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि कुछ ड्रम लंबे है, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट जो बोल रही है ना, ये निष्कर्ष जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये मतलब क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, जैसे इस तरीके से इन मतलब इस निष्कर्ष का बोलने का मतलब यह है कि कुछ ड्रम लंबे हैं, जैसे इनके बीच में रिलेशन बता रखा है, तो इनके बीच में रिलेशन तो नहीं बताया, तो इसका मतलब हम इसको हटा देंगे। फिर यहाँ पे क्या बोला गया, कोई ड्रम लंबा नहीं है। अब ये क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा ट्रिकी। इस ट्रिकी में क्या है कि यहाँ पे एक बार तो बोल दिया कि कुछ ड्रम लंबे हैं और एक बार बोल दिया कुछ ड्रम लंबे नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको होगा तो इसमें क्या करना है आपको कि या आइदर और वाली कंडीशन बनेगी, यानी कि या तो ए वाला राइट होगा या फिर दूसरे वाला राइट होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर भी समझते हैं क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट कैसे आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करके आते हैं, तो यहाँ पे आपको आइदर और यानी कि या तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो सकता है या फिर सेकेंड वाला। ठीक है, यानी कि या तो निष्कर्ष वन राइट होगा या सेकंड वाला राइट होगा इस तरीके के क्वेश्चन में, यानी कि जब एक ही चीज यानी कि दो चीज़ है लंबा और ड्रम, इनके बीच में रिलेशन तो नहीं बताया गया बट जो निष्कर्ष दिए गए दोनों के दोनों निष्कर्ष इन दोनों के ऊपर ही दे दिए गए, एक बार तो दे दिया कि कुछ ड्रम लंबे हैं और एक बार दे दिया कोई ड्रम लंबा नहीं है, तो इस कंडीशन में आपका आइदर और वाली कंडीशन बन जाती है।
एक क्वेश्चन था आपका, देखिए कोडिंग डिकोडिंग से ये वाला, कि स्ट्रीमर को आपको लिखा गया है कुछ TUFBNFS को, ठीक है, तो आपको हाउस को किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे बिल्कुल सीधा सीधा वन प्लस चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन जितने भी आएंगे ना आपके कोडिंग डिकोडिंग के, कोई हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत ही आसान आएंगे, आप उनको जरूर करके आना, ठीक है। और बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है ऑलरेडी आपकी कोडिंग डिकोडिंग पे, और सारे चैप्टर भी कर रखे हैं वैसे तो। अगर आपने 15 क्रैश कोर्स नहीं देखा है मेरी 15 वीडियोस को, उनको देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल बता रहे हैं बच्चे, ठीक है, कि डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं वहाँ से, ठीक है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पे प्लस वन चल रहा है आपका, एस में प्लस वन करेंगे तो टी आपका, टी में प्लस वन करेंगे तो यू, ई में प्लस वन करेंगे तो एफ, ठीक है, सभी में मतलब प्लस वन होकर आपका ये बन रहा है। तो इसी तरीके से आपको हाउस में भी प्लस वन करना है, तो प्लस वन करेंगे आई, ओ में प्लस वन तो पी, और आपका U में प्लस वन तो V, और S में प्लस वन तो आपका T, और E में प्लस वन तो आपका F। तो इस तरीके से प्लस वन वाली कंडीशन थी। और आपका कभी प्लस वन माइनस वन, ठीक है, एक बार ये भी आ सकता है, एक बार माइनस माइनस भी आ सकता है, प्लस टू प्लस थ्री भी आ सकता है, कुछ कोई भी कंडीशन आए, मल्टीप्लाई आ सकती है, डिवाइड आ सकता है, तो आपको ये कुछ ही सेकंड में चेक करना होता है कि क्या चल रहा है। उसके लिए आपको ये सभी अल्फाबेट के नंबर याद होने चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही, और वीडियो में क्वेश्चंस तो कम ही रहे हैं, बट मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट या फिर थर्ड शिफ्ट में तो लेके आऊंगा ही पूरे दिन के जितने भी क्वेश्चंस कलेक्ट कर पाऊंगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपके पास टेलीग्राम ऐप है तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक को खोलना है और आप ज्वाइन हो जाएंगे, या फिर टॉपिक स्टडी सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास ऐप नहीं है तो सबसे पहले ऐप डाउनलोड करिए, उसके बाद आप यहाँ पे टॉपिक स्टडी सर्च करके ज्वाइन हो जाइएगा, ये सारी पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और आपने इसको लाइक शेयर कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।